अभी हमने जनरल फॉर्म ऑफ़ पैराबोला एकवेजेंस को डिस्कस किया है स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किए इन को यूज़ करते हुए हम जो है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर के क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन वन है फाइंड द फोकस वर्टक्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द पैराबोला ये एलिमेंट्स फाइंड करने हैं उसके बाद हमने क्या करना है इसका ग्राफ स्केच करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास इक्वेजन गिवन है एक्स के इज टू फोर वाई इन टर्म्स गिवन है तो हमारे पास क्या है जनरल फॉर्म हमारे पास इसकी क्या होगी अगर हम जनरल इक्वेजन से कंपेयर करें तो वो क्या होगा एक्स के इज टू फोर ए वाई सबसे पहले जो भी आपको इक्वेजन गिवन है पैराबोला की आप उसकी जन जनरल देख लें कि जनरल किस से वो मैच करती है हमने चार केसेस डिस्कस किए थे तो हमारे पास केस किससे मिल रहा है ये एक्स के रिज इक्वल टू फोर ए वाई हमने ये डिटर्मिन कर लिया फिर जनरल जो फॉर्म है उसके हमने एलिमेंट्स लिख लेनी है इस पैराबोला जो है वो पैराबोला क्या होता है ओपन अप और वर्टेक्स क्या होता है जीरो जीरो और इसका फोकस जो लाइक करता है जो एक्स के इक्वल टू फोर ए वाई है उसका फोकस जो है वो लाइक करता है जीरो और ए पे यानी वाई एक्सिस पे लाइक करता है और डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन है वो क्या होती है वाई इक्वल टू माइनस ए और लेटेस्ट रक्टम क्या होता है वाई इक्वल टू ए तो हम इसको यूज़ करते हुए हम जो हैं आगे करेंगे तो अब हमारे पास जो जनरल दिया हुआ है अगर मैं इसको लेख लेती हूँ लेट एक्स इक्वल टू एक्स और वाई को वाई ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स केयर इज़ इक्वल टू और y को अगर मैं कह दूँ ये क्या आ जाएगा y माइनस वन तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा एक्स केयर इज इक्वल टू फोर वाई पैराबोला जो है वो अब ट्रांसलेट हो गया है अप टू न्यू एक्सेस हमने ले लिए कैपिटल एक्स और वाई से डिनोट किए जनरल से कंपेयर कर लें तो एक्स के इज इक्वल टू फोर ए वाई होता है तो यहाँ से अगर हम फोर ए ले लें ले, तो वो क्या आ जाएगा फोर ए यानी हमने फोर ए निकालना है तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ जाएगी वन कंपेयर करने से हमने निकाल लिया ए अब हमारे पास इस पैराबोला का फोकस क्या आ जाएगा फोकस जो है वो क्या करेगा लाए उमदा लिख लेते हैं जो हमारे पास एक्स के इक्वल टू फोर वाई है lies फोकस इसको लिख लेते हैं फोकस focus फोकस लाइज ऑन एक्सेस ऑन वाई एक्सेस लाई कर रहा है उसको लिख लेते हैं हमारे पास एक्स के इज इक्वल टू फोर वाई आ गया है फोकस लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सेस क्योंकि जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करें तो हमारे पास एफ क्या है जीरो ए तो हमारे पास यहाँ पे वाई जो है वो क्या है एक्स क्या है ज़ीरो तो हम उसको लिख लेते हैं एक्स ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा और वाई क्या आ जाएगा ए क्योंकि इस फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें ये जो हमारे पास लिखी हुई है तो यहाँ से अगर एक्स जीरो कर दें तो हमारे पास एक्स किसके बराबर था एक्स के और वाई किसके बराबर था वाई माइनस ए और ए क्या था वन तो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा टू तो जो हमारे पास न्यू फोकस आएगा यानी जो पैराबोला गिवन है जिसकी इक्वेशन गिवन है उसका फोकस क्या आ गया जीरो टू ये जो हैं ये सारे एलिमेंट्स हम इसीलिए निकालें ताकि हम इनके ग्राफ को इजीली ड्रॉ करें तो फिर हमारे पास फोकस आ गया है हमने क्या करना है अब वर्टक्स निकालना है वर्टेक्स हमारे पास क्या है जीरो ज़ीरो यानी यहाँ पर एक्स भी जीरो है और वाई भी ज़ीरो है तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ये कैपिटल एक्स जो है वो लेने हैं हमने तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स ज़ीरो और वाई भी क्या आ जाएगा वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से क्या आ जाएगा वर्टेक्स मेरे पास ज़ीरो वन जो हमारे पास न्यू इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन के वन है वर्टेक्स हमने निकाल लिया अब हमारे पास क्या है डायरेक्टस डायरेक्टस का जनरल जो होता है अगर कंपेयर करें तो एक्स के इज टू तो फोर ए वाई से तो वो क्या होता है वाई इक्वल टू माइनस ए और यहाँ पे वाई मेरे पास क्या है वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पर? कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है वाई इक्वल टू माइनस ए रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास वाई माइनस वन इक्वल टू माइनस ए ए मेरे पास यहाँ पर क्या है वन तो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस वन तो, क्या, 0. तो क्या आ जाएगा ज़ीरो तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा डायरेक्टर्स और मेरे पास क्या आ गया है वाई इक्वल टू ज़ीरो तो हमने ये एलिमेंट्स निकाल लिए हैं हमने क्या निकाला है वर्टेक्स निकाल लिया है फोकस निकाल लिया है और डायरेक्टस निकाल लिया है इसको हम लिख लेते हैं डायरेक्टस तो ये हमने निकाल ली हैं अब हम क्या करते हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए अब फोकस क्या लाए कर रहा है ज़ीरो टू पे तो ज़ीरो टू का क्या मतलब है एक्स एक्सिस पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और वाई एक्सिस पे टू है तो फोकस हमारे पास और हमने हमें पता है हमारा पैराबोला ओपन अप है तो हम इसे ड्रॉ करेंगे कैसे और वर्टक्स हमारा ज़ीरो वन है ज़ीरो वन यानी जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा वर्टक्स जो हमारा पैराबोला स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा ज़ीरो वन यानी वाई पे वैल्यू वन पे तो हम जब इसको प्लॉट करेंगे और डायरेक्टर्स हमारे पास कहाँ पर ड्रा होगा वाई इक्वल टू जीरो पर तो आप देख सकते हैं जब हमने इसे प्लॉट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्टेक्स जीरो, वन से हमारा स्टार्ट फोकस के आ गया जीरो टू और डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या है इक्वल टू जीरो तो आप अपनी स्क्रीन पे इसकी प्लॉटिंग देख सकते हैं हमने ये एलिमेंट निकाल लिया और फिर हमने इससे इसको प्लॉट कर लिया होप सो आपको ये समझ आया होगा थैंक यू